लाइव जी आ रहा है। स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हुआ नहीं है सर, बट मैसेज आ गए यहाँ। अच्छा, ठीक है सर। हम स्टार्ट कर दें। यस मैम। स्टार्ट अभी तक लाइव तो नहीं है सर। संदीप सर, अनम्यूट कीजिए आप। सर अभी लाइव आया नहीं है अभी। सर टाइम लगता है, 1-1.5 मिनट तो हम लोग शुरू कर लें तो वो हो जाएगा आगे से। ओके मैम। सर यहाँ दिखा रखा है लाइव ऑन यूट्यूब। हाँ, आज के इस पब्लिक एड के क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर सर्वप्रथम मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर और राजकीय डूंगर महाविद्यालय के पब्लिक एड डिपार्टमेंट के एचओडी मैम डॉक्टर साधना भंडारी मैडम से मैं आग्रह करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। डॉक्टर साधना मैम, इट्स थैंक ओवर यू टू यू मैम। डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर संदीप यादव। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू कन्वीन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन व्हिच इज अ वेरी स्पेशल राउंड फॉर ऑल द लेक्चर्स व्हिच हैज बीन कंडक्टेड इन द प्रीवियस 2 वीक्स। नाउ फॉर दिस सेशन वी हैव टुडे विद अस सुभाष चंद फ्रॉम MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा टू कंडक्ट द सेशन। ओवर टू सुभाष जी। ओके, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा बाड़मेर। आयताले कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार व डूंगर गवर्नमेंट कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम के इस लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानदूत कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को विदित है कि प्रत्येक माह के पहले रविवार और तीसरे रविवार को लोक प्रशासन की लाइव क्लासेज जो प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 1 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित होती हैं। इससे संबंधित सभी विद्यार्थियों की जो भी डाउट हैं उनका समाधान इस लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में किया जाएगा। लाइव क्लासेज के दौरान जो भी क्वेश्चंस आपने कमेंट सेक्शन में या अन्य माध्यमों से हमें भेजे हैं उनका आंसर हम टॉपिक वाइज सभी पैनलिस्ट के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा से डॉक्टर मीनाक्षी यादव मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी PPT स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दें। मैम का टॉपिक था मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मैम के जो वीडियो लाइव हुआ था उस पर अभी तक 1,091 व्यूज आ चुके हैं। ओवर टू मीनाक्षी यादव मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष सर। हम लोग डायरेक्ट अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। बच्चों ने कुछ सवाल पूछे थे और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक जनरल लेमेन आदमी जो सबसे पहले सोचना चाहता है वो क्या सोचता है। सबसे पहला सवाल जो मुझे मेरे बच्चों ने किया वो क्वेश्चन ये कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में क्या है। राजनीति विज्ञान का संबंध नीति निर्धारण से है, जबकि प्रशासन का संबंध उन नीतियों के सफल क्रियान्वयन से संबंधित है। बेसिकली पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट आ जाता है, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आता है, तो ये लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी के रूप में थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि जो लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच का जो ये अंतर है कि परंपरा या फिर इसको पृथकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, और दूसरा था आधुनिक विचारधारा और समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ट्रेडिशनल विचारधारा थी, परंपरागत विचारधारा थी, ये मानना था कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। इस आइसोलेशन या पृथकता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार राजनीति एवं प्रशासन के क्षेत्र दोनों अलग हैं। मंत्रियों का दायित्व नीतियों को निर्धारण करना है, नीतियों का निर्धारण करना है, जबकि प्रशासकों का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना है। इम्प्लीमेंटेशन की जब हम पार्ट जो बात करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। राजनीतिक हमेशा ऐसे साधनों की खोज में लगा रहता है जिससे वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सके, अपनी शक्ति को स्थायी बना सके, जबकि जो प्रशासक है वो अपने पद के अनुसार शक्ति प्राप्त करके उसका उपयोग जनता के हितों के लिए करता है। और जो दूसरी विचारधारा है, जो आधुनिक विचारधारा या समन्वय का सिद्धांत हम जिसे कहते हैं, मॉडर्न व्यू या थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखिए परंपरागत व्यू जो था उसमें राजनीति और प्रशासन के जो द्वैतवाद की हम बात करते हैं वो था, जबकि मॉडर्न जो थ्योरी आई है उसमें ये मानना है कि राजनीति और प्रशासन के मध्य समन्वय के सिद्धांत को वो स्वीकार करती है, जिसके अनुसार राजनीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं वरन एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं उस तरीके से। इस विचारधारा के लोगों का मानना था कि राजनीतिज्ञों का कार्य प्रशासकों के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि उनके द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उन नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासन के माध्यम से ही संभव है, एंड मोर सो जो पॉलिसी मेकिंग का काम उसमें भी या नियोजन से पूर्व तथ्यों का ज्ञान हो, डेटा कलेक्शन की हम लोग बात करते हैं, और इस तरीके की जो चीजें हैं तो हम लोग इनको होते हुए भी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो दोनों पक्ष मैंने आपके कि आम आदमी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में क्या अंतर समझता है, और लोक प्रशासन के रूप में आप इसको कैसे डिफाइन किया, प्रशासन की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए दोनों क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड हैं। एज यू ऑल नो, आप सभी को पता है कि लोक प्रशासन को एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में, शैक्षणिक अध्ययन के रूप में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो वुड्रो विल्सन को जाता है, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन यूएस के 28वें पति रहे हैं और उन्होंने 87 में एक लेख किया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने किया कि इस शास्त्र के वैज्ञानिक आधार को विकसित करने की आवश्यकता है, इस शास्त्र यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। और इसी एक में राजनीति और प्रशासन ने है राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन। सो बेसिकली वुड्रो कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट इज फेनोमिनल एज ही लेड द इंटेलेक्चुअल रूल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तीसरा क्वेश्चन एक मेरे पास ये आया कि पुलिस राज्य लेजिस्लेटिव, बेसिकली इट्स अ फ्रेंच फ्रेज होता है allowed to do, इसका जो driving principle है उसका मतलब है कि leave it alone। इस विचारधारा का ये मानना था कि राज्य को केवल सुरक्षा या नीति नियमों से करना चाहिए, जन कल्याणकारी का कोई कार्य राज्य को नहीं करना चाहिए।
प्रशासन को रक्षा देश में शांति स्थापना आदि जो प्रारंभिक जो बेसिक सीमित रखना चाहिए अपने आप को और राज्य की ऐसी निर्धारित की जाए कि जो रक्षित ना करे उनका ये कि मैन इज वाइज इनफ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. सो दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ लिजिल द थिंग आई कैन शेयर विद यू. ओवर टू यू सुभाष सर. आई थिंक तीनों क्वेश्चंस का बहुत ही क्रिस्प आंसर बच्चों को मिल गया. थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं 11 जून 2021 शुक्रवार को जो क्लास हुई थी, अमृता सिंह मैम जो गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से हैं, उनका टॉपिक था नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मैम आप पीपीटी के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं उनका जवाब प्रदान करें. ऑल टू अमरता सिंह मैम. शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है. मैं अभी उससे पहले गरिमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्लास उनकी शनिवार को हुई थी 12 जून 2021 को, उनका टॉपिक था पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. वो उनके जो लाइव यूट्यूब के व्यूज़ थे वो थे 859 व्यूज़, और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी क्लास जो अभी आंसर्स हैं वो प्रदान करें. ओवर टू गरिमा सिहाग मैम. मुझे प्राप्त कि लोक और निजी प्रशासन में समानता दर्शाने वाले कौन से जो फैक्टर्स हैं कारक जो रेस्पॉन्सिबल हैं. तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने कि कुछ प्रकारात्मक समानताएं हैं जैसे हायरार्की सिस्टम होता है, पक्षपात है, अकाउंट्स है, श्रम विभाजन है. तो ये निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में इनकी समानताएं पाई जाती हैं. कार्य की जो वर्किंग प्रोसेस है, प्रकारात्मक जो फंक्शनल सिमिलैरिटी है, वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान पाया जाता है. तो हमें जो कारण लिखने हैं उनमें हमें प्रकारात्मक समानता को दर्शाना होगा. दूसरी जो बात है सामाजिक भूमिका की, जो समानता हमने बात की कि सामाजिक भूमिका में हमने बात की लोक प्रशासन में जो कल्याण उन्मुखता दिखाई दे रही थी, जो थोड़ी थोड़ी 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद वो कल्याण उन्मुखता लाभ उन्मुखता की तरफ उसका झुकाव हुआ है. तो हमें ये दिखाना होगा कि इसमें एग्जाम्पल भी देना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना जो कंसेप्ट आया, IOC, ONGC जो कंपनीज हैं, इनके प्रॉफिट किस तरह से निजी प्रशासन के समान प्रॉफिट जो है, लाभ जो उन्मुखता है वो लोक प्रशासन में दिखाई देती है. और उसी प्रकार निजी प्रशासन में जो हम बात करते थे सिर्फ और सिर्फ लाभ उन्मुखता की बात 1990 के बाद जो CSR जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फिनोमेना आया, तो वो एक एग्जाम्पल है कि निजी प्रशासन भी जो है लाभ उन्मुखता से कल्याण उन्मुखता की तरफ मुड़ा है. इसी प्रकार तीसरा जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया था वो ये था कि दोनों में, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हमने बात की प्रकारात्मक समानता की और सामाजिक भूमिका में जो समानता है उसकी, ये दोनों पॉइंट सकारात्मक पॉइंट है. हमें एक नेगेटिव पॉइंट थर्ड पॉइंट भी एड ऑन करना है जो कि ये है कि लोक मूल्य विफलता. जिस प्रकार निजी प्रशासन में बाजार विफलता हम देखते हैं, जैसे कि मंदी आई तो हम उतार चढ़ाव, रिसेशन देखते हैं, डिप्रेशन देखते हैं, किस प्रकार से बाजार का चक्र चलता है, उसी प्रकार लोक मूल्य विफलता भी लोक प्रशासन में पाई जाती है. हम ये नहीं कह सकते कि सभी वर्गों का जो है सभी वर्गों को समान हित मिले, सभी को समान एक्सेस पहुंचे, पहुंच जो है सभी वर्गों तक पहुंचे, ये कोशिश होती है. लेकिन लोक मूल्य विफलता दिखाई देती है कहीं ना कहीं, जो पिछड़े और आज भी हमारे देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो वो लोक मूल्य विफलता की वजह से ही
वो आपको बच्चे तीनों जो पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट्स को सम्मिलित करके अगर इसमें 200 वर्ड्स का भी क्वेश्चन आता है या 50 वर्ड्स का भी क्वेश्चन आता है तो ड्यू टू द यूज ऑफ आईटी और सीएसआर ये लाल फीता शाही से कैसे गैर लाल फीता शाही की तरफ गया, कैसे पद सोपान की जो सिमिलैरिटी है, किस प्रकार से कल्याण उन्मुक्ता से लाभ उन्मुक्ता, ये सारे पॉइंट्स को आपको एग्रीगेट करके 50 वर्ड्स में लिखना है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है रीमा मैम, वॉइस आपकी नहीं आ रही अभी। सर हम सेशन अमृता मैम की तरफ बढ़ा देते हैं आगे। ओके मैम, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमृता सिंह मैम से, जिनका टॉपिक था नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैम अपने क्वेश्चंस के जवाब दें। ओवर टू अमृता सिंह मैम। थैंक यू सुभाष, थैंक यू सो मच। मैंने बच्चों को जो टॉपिक लिया था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र। उसमें जो मेरी लास्ट स्लाइड थी, अगर बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। ये सारे क्वेश्चंस उस तरह से है जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको पढ़ाते वक्त बता चुकी थी। तो आज हम प्रॉपरली इस बात पर फोकस करेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो सुभाष ने भी मुझे बताया, आप लोगों ने भी जो मुझे क्वेश्चन पूछे हैं वो जनरली तीन क्वेश्चन है कि प्रकृति से आप क्या समझते हैं, क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जो है हम चीजें करते चलेंगे। तो देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक प्रशासन की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति के समग्र दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ भी 50 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप, इसके क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे फ्रेम करेंगे? तो इसको फ्रेम करने के लिए सबसे पहले आप बताएंगे कि लोक प्रशासन की प्रकृति का क्या मतलब है। पहले दो तीन लाइनें आप ये लिखिएगा, तो उसमें आप बताएंगे कि किसी विषय में कौन कौन सी, लोक प्रशासन में किन किन गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, इस दृष्टिकोण को जो अभिव्यक्ति है वो लोक प्रशासन की प्रकृति के माध्यम से दी गई है। इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण है, समग्र दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अगर आपसे 50 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समग्र दृष्टिकोण की एक लाइन और प्रबंध की दृष्टिकोण की सिर्फ एक एक लाइन लिख देंगे। जैसे समग्र दृष्टिकोण में आप लिखेंगे कि ये प्रशासन की सभी गतिविधियों का समावेश करता है, इसमें प्रबंध की तकनीकी, लिपिक संबंधी और दस्ती सारे कामों का योग दिया जाता है। ये आप खाली 50 वर्ड्स में बताएंगे तब बताएंगे। अब आपसे पूछा जाए, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक प्रशासन की प्रकृति के समग्र दृष्टिकोण को कैसे बताएंगे आप, क्या क्या समझते हैं उससे, उसकी विवेचना कीजिए, उस पर टिप्पणी लिखिए, उसे परिभाषित कीजिए, कोई भी लैंग्वेज दी जा सकती है। तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे, फिर से फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को उसी तरह से। सबसे पहले आपको बताना है कि प्रकृति से आप क्या समझते हैं, वो तीन लाइन आपको हर जगह लिखनी है। उन तीन लाइनों को लिखने के बाद आप बताएंगे टीचर को, मतलब एग्जामिनर को, कि इसके दो दृष्टिकोण हैं, समग्र दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जिसमें से समग्र दृष्टिकोण ये है। तो आप फिर लिख देंगे कि ये सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, इसमें प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिक संबंधी और दस्ती कामों का कुल योग होता है। अब देखिए, इसमें मैंने ये सारा मैंने आपको जो पढ़ाई थी पीपीटी वहीं से मैंने ये आंसर्स भी उठाए हैं। तो मैंने, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने लेखकों के विचार, मतलब किन किन, किस लेखक ने किस विचार का समर्थन किया है, ये बकायदा मैंने लिखा है। एलडी वाइट, विल्सन, डिमॉक और फिफनर। जब मैं क्लास में भी अपने बच्चों को राइटिंग बताती हूँ, राइटिंग करना, तो मैं उन्हें ये बताती हूँ कि आप ये लाइन, एक लाइन लिखेंगे उससे आपके दो नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। मतलब टीचर को लगेगा कि ना आपको सिर्फ ये पता है कि वो दृष्टिकोण क्या कहता है, बल्कि ये भी पता है कि किस किस ने उस दृष्टिकोण का समर्थन किया था। तो आपको लेखकों के नाम जरूर लिखने हैं। फिर लोक प्रशासन की प्रकृति के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं,
तो आप फिर से फ्रेम करते समय शुरू की तीन लाइनें वही लिखेंगे कि प्रकृति से आप क्या समझते हैं, दो दृष्टिकोण है, समग्र है, प्रबंधकीय है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कहता है, ये लोक प्रशासन में सिर्फ प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल करता है, इसमें बाकी की जो तकनीकी लिपिक संबंधी दस्ती संबंधी शामिल नहीं होती है। इस लाइन पे आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है क्योंकि ये लाइन आपको बताएगी कि ये दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण समग्र दृष्टिकोण से किस प्रकार से भिन्न है। तो एक इस लाइन को जरूर लिखिएगा, उसके बाद में आप फिर वही बात आप लेकर लिखेंगे जरूर कि लेखक कौन कौन से हैं जो इसका समर्थन करते हैं। साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रकृति के क्षेत्र से अगर आपसे ये तीन या चार या पांच टाइप के क्वेश्चंस कुछ भी घुमा फिरा कर आपको पूछे जाते हैं तो आप उन्हें इस तरह से एड्रेस करेंगे, ऐसा फ्रेम बनाएंगे इसका। फिर नेक्स्ट आपने पूछा था लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में, तो क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम करने का एक जैसा तरीका रहेगा हर जगह। आपको हर जगह जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि उसका मतलब क्या है। आपसे पूछा जाए लोक प्रशासन के क्षेत्र से, जैसे मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस दिखाए थे, लोक प्रशासन के क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है, लोक पोस्ट कोड को परिभाषित कीजिए, या लोक प्रशासन के क्षेत्र की कोई पर टिप्पणी लिखिए, लोक प्रशासन क्षेत्र के किसी पर्टिकुलर जो पांच। सॉरी मैम, अमृता मैम, टाइम लिमिट। अच्छा एक सेकेंड। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आप बताएंगे कि एक अध्ययन विषय के क्षेत्र का अभिप्राय, उस अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कार्य या क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ये एक दो लाइनें ऐसी हैं जो क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रश्न के आंसर को शुरू करने में आपको लिखनी लिखनी है। उसके बाद आप इनको ये पांच भागों में बता देंगे, संकुचित दृष्टिकोण क्या कहता है, व्यापक क्या कहता है, पोस्टकोप क्या कहता है, सबके बारे में एक एक लाइन आप लिखते चले जाएंगे। इसमें से स्पेसिफिकली भी आपको पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण क्या कहता है, व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है। आप समझ रहे हैं 50 वर्ड्स में कोई भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोस्ट कोड पर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनते हैं, पोस्ट कोप दृष्टिकोण क्या है, तो आप साफ बताएंगे कि ये क्षेत्र से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है, लूथर गुलिक ने दिया था, सात अंग्रेजी के शब्दों से बना है, इन सातों का ये मतलब है। स्पेसिफिकली उसमें 50 वर्ड में पूछा जाए कि पोस्ट कोप में प्लानिंग से क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कि लक्ष्य को, इसमें लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, कार्य की रूपरेखा बनाई जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रीतियों और नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। ये आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये शेयर किया है कि आप इनको बुलेट फॉर्म में किस तरह से लिखिए। फिर संगठन के बारे में भी इसी तरह से, और बाकी जो हैं सारे साथ के साथ जो इनके कार्य क्षेत्र हैं उन पर अलग अलग पूछा जा सकता है, या पोस्ट कोप पे आपको 200 में वर्ड्स में ये भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट कोप दृष्टिकोण की किन्हीं पांच विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए, तो उन पांचों को आप इस तरह से डिजाइन करेंगे और बुलेट फॉर्म में आंसर करेंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हैं। थैंक यू सो मच, ओवर टू सुभाष। थैंक यू अमृता मैम। मैं मेरदा गवर्नमेंट कॉलेज नागौर से गदानंद शर्मा सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी पीपीटी के माध्यम से अपने आंसर्स क्वेश्चंस का जवाब दें। ओवर टू गदानंद शर्मा सर। अमृता मैम। यस सुभाष जी, मुझसे तीन प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि अवशिष्ट विषय क्या है, तो अवशिष्ट विषय के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब संविधान बना तो तीन सूचियाँ, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें सारे विषयों का उल्लेख जो उस समय विद्यमान थे उनका किया गया। संघ सूची में 100 विषय रखे गए, राज्य सूची में 66 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए। फिर जिस समय जो विषय वहां पर विद्यमान नहीं था, जैसे उस समय हम देख पा रहे हैं कि ये मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो ये उस समय नहीं था लेकिन आज है, तो ऐसे कुछ प्रावधान करने थे जो जो विषय छूट गए हैं, जो रह गए हैं, उन विषयों को हम किसको कानून बनाने की पावर किसको दें, तो ऐसे विषय, सारे विषय जो छूट गए थे संविधान बनाते समय, उनको हम कह सकते हैं अवशिष्ट विषय। ये नए सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हो सकता है भविष्य में आपको रोबोट से संबंधित कोई कानून बनाना पड़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई कानून बनाना पड़े, तो वो आगे की बात होगी। तो ऐसे जितने भी विषय हैं अवशिष्ट विषय, उन सब की शक्ति संघ सरकार को दी गई है।
और इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब सूचना प्रौद्योगिकी कानून बनाया गया वर्ष 2000 में, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं, इसको भारत का साइबर कानून भी कहते हैं, तो ये उसी विषय की श्रेणी में आता है, अवशिष्ट रिजिडुअल सब्जेक्ट मैटर। अब जो ये साइबर कानून है, ये हम इसको बार बार डिफाइन कर रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये उस समय विद्यमान नहीं थे। तो इन पर जो कानून बनाने की पावर होगी वो किसके पास रहे, ये अवशिष्ट विषय है। दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो दो प्रशासनिक सुधार आयोग भारत में अब तक गठित किए गए हैं, पहला 1966 में, दूसरा 2005 में। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जब गठित किया गया तो उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उनको प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बाद में जब वो उप प्रधानमंत्री बने, उस समय उनको एक सदस्य थे के हनुमंतैया, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और इस आयोग ने टोटल 20 रिपोर्ट्स दी हैं और लगभग 550 से भी अधिक रिकमेंडेशन दी, जिनमें अधिकांश पर कार्य या तो कम हुआ या बहुत देरी से हुआ। ये प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। और दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, जिसका गठन 2005 में हुआ, उसके अध्यक्ष थे कर्नाटक के पूर्व सीएम, चीफ मिनिस्टर श्री वीरप्पा मोइली, और उन्होंने भी बाद में त्यागपत्र दे दिया था। तो उनके एक सदस्य थे उस आयोग के, वो थे वी रामचंद्रन, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों आयोगों में ये खास बात रही कि दोनों में पांच पांच सदस्य आयोग था ये, और दोनों ने ही रिकमेंडेशन दोनों के अध्यक्ष बाद में बदले गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने अपनी दूसरे आयोग ने 15 रिपोर्ट्स प्रस्तुत की। और जो लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनके लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक कंप्लीट पूरा सेट माना जाता है। जैसे कोई सिविल सर्विसेज, चाहे वो आरएएस हो, आईएएस हो, उनका अगर कोई मेंस का एग्जाम लिख रहा है तो उसको उनकी रिकमेंडेशन लिखनी पड़ती है। वो आप यूनिवर्सिटीज के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी लिख सकते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न आपने किसी ने पूछा था कि संविधान के अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक्स क्या होंगी, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की जो कॉलेज विद्यार्थी हैं उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती है कि कोई ऐसा मूल मंत्र हो जिससे कि बस एक घंटे में पूरा संविधान याद हो जाए। तो ऐसा है नहीं। संविधान के अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की पढ़ने की टेक्निक अलग होती है। वो आप उसको किस तरीके से अप्लाई करते हो, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी स्क्रीन शेयर करके देना चाहता हूं। सुभाष जी, टाइम कितना है? सर आप कंटिन्यू रखिए सर। जी, अभी सर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये आर्टिकल है अपने पास, ये है 249, 250, 252, 253, 356। अब इसको जैसे हम बताएं कि 249 में राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, 250 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय बना सकती है, तो इन दोनों के जो कानून है उसके बारे में 251 में प्रावधान किया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि इन पर कानून बन गया तो फिर राज्य सूची के महत्व पर राज्य विधानमंडल संसद के कानून के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकता। अब इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि जैसे 252 है तो इसमें देखो दो या दो से अधिक, तो 252, इसमें दो दो आ रहा है तो दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा मांग किए जाने पर। इसको देखते हैं 253, 253, अब इस थ्री का उच्चारण करते हैं थ्री थ्री, दैट्स गोइंग टू ट्रीटी, ट्रीटी ट्रीटी यानी संधि, ट्रीटी, और वैसा का वैसा ही उदाहरण यहाँ हो गया थ्री ट्रीटी।
253 हो गया। ऐसे ही 356 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तो इसको हम 365 से कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर 365 के तहत निर्देश नहीं माने कोई राज्य तो उसमें 356 के तहत ये लग सकता है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती है, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। अभी टाइम की कमी है, अगर टाइम की कमी बचती है, अगर टाइम बचता है, टाइम की कमी नहीं रहती है, तो मैं फिर से आपको इस बारे में बताऊंगा। सुभाष जी धन्यवाद सर। अब मैं अंजु पारिक मैम से निवेदन करूंगा, जिनका टॉपिक था मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैम आप जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछे हैं उनके जवाब दें। थैंक यू सो मच सर। मुझसे स्टूडेंट ने दो तरह के क्वेश्चंस पे बात की। पहला उनका क्वेश्चन था लोक प्रशासन एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन में क्या संबंध है। बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगी, लोक प्रशासन हमारा एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सभी विषय पढ़ रहे हैं। और तुलनात्मक लोक प्रशासन हमारा उसी में से निकला हुआ एक नवीन अवधारणा है, जिसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमें इन अध्ययनों पर विशेष जोर देना पड़ा। और इन अध्ययनों के माध्यम से जब हम तुलनात्मक अध्ययन की बात करने लगे तो सभी विद्वानों का ये कहना था कि हम लोक प्रशासन को विज्ञान क्यों नहीं मानते। तो रॉबर्ट ए डाहल ने कहा कि जब तक हम लोक प्रशासन का अध्ययन हम तुलनात्मक ढंग से नहीं करेंगे तब तक हम इसे विज्ञान नहीं कह सकते। और इसी संदर्भ में सभी विद्वानों ने इस पर यह जोर दिया कि हम लोक प्रशासन को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में समझें। और इसीलिए उन्होंने इसको एक ज्ञान की नई शाखा बताते हुए तुलनात्मक अध्ययन करने पर जोर दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछा गया था कि तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय की शुरुआत कब और कहाँ हुई। बच्चों दूसरा मेरा आंसर है, तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय की सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1948 में हुई थी, और जिसको जिसके जनक हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर वाल्डो थे। यानी प्रोफेसर वाल्डो ने सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन विषय को पढ़ाना शुरू किया। तो मैं फिर से बताना चाहूंगी, अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय को सबसे पहले पढ़ाया गया था, और जो इसके जनक थे वो थे प्रोफेसर वाल्डो। यदि हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन ज्यादातर, चाहे वह एसएससी का एग्जाम दें या हम सिविल सर्विसेज के कोई भी एग्जाम दें, इन सभी में ये जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इस विषय की शुरुआत की गई थी। ओके, थैंक यू सो मच, ओवर टू सुभाष जी। थैंक यू मैम। मैं सभी पैनलिस्ट और सभी स्टूडेंट्स जो लाइव प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं अभी संदीप सर से धन्यवाद अर्पित करने के लिए निवेदन करूंगा। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर सुभाष विश्नोई सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत ही खूबसूरती से आज का प्रोग्राम की अध्यक्षता स्वीकार की और उसको बखूबी निभाया। अब आज के जितने भी विद्यार्थी हैं जो ये लाइव देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे राजस्थान भर में जो ज्ञानदूत कार्यक्रम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई है, उस एक पूरी टीम बनी, जिस टीम के जो मेंबर हैं वो हैं डॉक्टर सुभाष बिश्नोई सर, डॉक्टर गजानन शर्मा जी, डॉक्टर मीनाक्षी यादव मैडम, डॉक्टर अमृता सिंह मैडम, डॉक्टर गरिमा सिहाग मैडम और डॉक्टर अंजू पारिक मैडम, और जिनके कन्वीनर हैं डॉक्टर साधना भंडारी मैडम, जिन्होंने, आप सभी ने इस विद्यार्थी हित में पूरे ज्ञानदूत कार्यक्रम का जो शेड्यूल तैयार किया, साथ ही साथ आपने अपने अपने व्याख्यान तैयार किए, और आज क्वेश्चन आंसर सेशन में भी जितने भी बच्चों की जो समस्याएं थी उस समस्याओं का आपने समाधान किया, और इस प्रोग्राम को और इस चैनल को आपने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसका सफलता का श्रेय आप सभी पैनलिस्ट को जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अभी तक 400 से अधिक विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब किया है, ये सफलता आप सभी की सम्मिलित प्रयास की वजह से ही हुई है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के प्रोग्राम की विधिवत समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।